हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्काम। और मेरे मेवाड़ी चितों को खम्मा गणी, कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद में अपनी ब्लैक पैंथर को वॉशिंग कराने का टाइम आ चुका है, तो आज अपन जा रहे हैं अपने ब्लैक पैंथर को वॉश कराने के लिए। तो चलिए मिलते हैं वॉशिंग पे। कल मैं आपको बताना भूल गया, कल अपन ने रॉयल इनफील्ड के नकल गार्ड डलवाए हैं अपने ब्लैक पैंथर को। ये देखिए, ये रॉयल इनफील्ड के नकल गार्ड लगा, पहले अपने थे प्लास्टिक वाले, पर वो काफी कमजोर थे, तो इस वजह से क्या आपने पूछा कि यार इनको लगवा देते, क्योंकि वो सिर्फ प्लास्टिक के दिखावे के थे और ये काफी मजबूत चीज है, इससे कभी कुछ भगवान न करे कुछ हो, पर कभी कोई क्रैश वगैरह हो जाता है, तो इन चीजों से काफी अपने इफेक्टिव रोल रहता है और काफी सुरक्षा रहती है। तो कल ये डलवा दिए है अपन ने, 2000 रुपये में डले है अपने, ये काफी अच्छे हैं, प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा है, और इसमें क्या एक्चुअली में एक मेटल रोड है तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी बाइक वॉशिंग करवाने, अपना बंदा आ चुका है जग्गू जो अपनी बाइक को वॉश करेगा, तो चलिए मिलते हैं। ये है अपने वॉशिंग कराने का ठिकाना, मिस्टर कार क्लीनर, बहुत अच्छा वॉशिंग शोरूम है, काफी अच्छा काम होता है, देखिए सारा काम होता है इनके यहाँ पे, टोटल गाड़ी की वॉशिंग पॉलिश वगैरह से लगाकर रैपिंग से लगाकर फिल्म वगैरह का भी सारा काम होता। और ये अपना ब्लैक पैंथर की धुलाई हो रही है, ये अपना मेन बंदा है, अपना जो काम करने वाला बंदा है वो यही है, अपनी बाइक की धुलाई हो रही है शानदार तरीके से, अभी फोम से धुलाई होगी तो आपको और बताएंगे। कल मेरे थोड़ा सा और नुकसान भी हो गया, हादसा हो गया, मेरे घर पे जो एक्वेरियम है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मच्छियाँ थीं, पता हुआ कल उनका दिन में 4-5 बजे पानी चेंज किया, और पानी चेंज करने के बाद में पता नहीं क्या कारण रहा तो वो सारी मच्छियाँ मर गई। मतलब मैं 5:30-6 बजे ऑफिस से पहुँचा और उसके बाद में उनके पेट फूल, सारी मच्छियाँ मर गई, तो मतलब रात को 3 बजे तक मैं उनका हर कोशिश की, मैंने डॉक्टर्स जो थे उनको फ़ोन किया, उन्होंने समझ में नहीं आया, उनको बना कर भेजे तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, उसके अलावा मैंने YouTube पर भी सर्च किया, गूगल पर भी सर्च किया, पर कुछ भी पता नहीं चला। और मतलब 6:30-7 बजे से मैं उनकी देखभाल करते 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 सुबह की 4 बज गई तक 7 मच्छियाँ मेरी, उन्होंने अपनी जान दे दी, पता नहीं चला कि क्या कारण था, किस वजह से हुआ, कुछ भी पता नहीं चला, बस उनके पेट फूल गए और धीरे धीरे एक एक करते करते मैंने उस दौरान उसमें गीज़र था तो गीज़र फूल किया, पानी अच्छा गर्म किया, 3 बार मैंने पानी चेंज किया, अलग अलग तरीके से पानी रखा मैंने, तो भी पता नहीं क्या हुआ, उनको रात को निकाल के मैंने पूरा अपने बाथरूम के गीज़र से पानी गर्म करके निकाला, टब में डाल, उस दौरान 2 मर गई, फिर टब से वापस मैंने उनको इक्वरम का पूरा पानी उसमें वापस दूसरा पानी डाला, परंतु कुछ हो नहीं पाया, बहुत दुख हुआ। और ये मैंने सारे भगवानों के हाथ जोड़ लिए, जितने भी देवी देव सबसे विनती कर ली, पर कोई उनको बचा नहीं पाया, से विश्वास उठ गया भगवानों से, क्योंकि अपन किस लिए भगवानों की सेवा करते हैं, किस लिए उनको, अगर जब परेशानी के समय अगर वो अपने काम नहीं आ सकते तो फिर ऐसे भगवानों को पूजने से। कल ये किसी चीज रोने, मतलब रोना आ गया मेरे को, एक तरीके से बहुत टाइम बाद कभी मैं दुखी, मेरे को रोना नहीं आता, पर कल आप यकीन मान, रात को 5:30 घर से बाहर निकला, मंदिर है वहां हाथा जोड़ी की, रोना आ गया, आंखों चल गए, नाक रगड़ दी, मैंने कहा भगवान कैसे भी करके मेरे इन बेजुबान जानवर है इनको आप बचा लीजिए, पर पता नहीं क्यों भगवान को भी क्या मंजूर था,
तो मेरे एक भी जानवर की बच सकी। बहुत धक्का लगा यार, सब कुछ होते हुए भी मैं उनको कर सका, उनको बचा नहीं सका, पता नहीं क्या कारण था, बड़ा दुख हुआ। 4:35 पे लास्ट वाली मछली मरी, बड़ी थी वो, उसने अपनी अंतिम सांसें ली। मतलब मैंने यहाँ तक उसके पास तक दी तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ कल। मतलब ये हादसे के बाद में भगवानों से विश्वास उठ गया मेरा कि यार जब वो कहते हैं ना, जब भगवानों को जो चाहिए जब अपन उनको ला कर देते हैं, बेटा नारल चढ़ाओ नारल चढ़ाओ, भगवान ये चढ़ाओ ये चढ़ाते हैं, पर जब अपने परेशानी होती है, जब ये हम नहीं आते हैं या ऐसे अपनी सुनवाई नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या मतलब है यार। कसम से कह रहा हूँ, दिल मेरा बहुत दुखी हुआ, अभी भी बहुत दुखी है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करते हुए, सारी चीज़ साथ उन बेजुबान जानवरों की जान, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। पता नहीं क्या कारण था।